हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जो वायरलेस है, जो फाइल ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, जो वायरलेस फाइल कैसे ट्रांसफ़र करें अपने मोबाइल से लैपटॉप पे। ठीक है दोस्तों, इस बारे में बात करें। जैसे कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो, जैसे मैं खुद भी कितने सारे डाटा केबल में यूज़ कर चुका हूँ अपने डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप पे। हर बार कोई ना कोई डाटा केबल ख़राब हो ही जाता है दोस्तों, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि डाटा केबल के झंझट खत्म हो। और जब मैं अपने मोबाइल में जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ या जो भी फाइल है वो लैपटॉप पे कैसे ट्रांसफ़र करूँ बिना डाटा केबल के, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त अंकुर और मेरा चैनल है ज्ञान मंडल, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके मोबाइल में जाइए। मोबाइल में जाने के बाद मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मोबाइल में जाने के बाद आपका जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इसमें आपको लिखना है वाईफाई, इसमें आपको लिखना है वाईफाई, ध्यान सुनिएगा। मैं आपको इस ऐप के बारे में, जो ये ऐप के थ्रू जो प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वाईफाई है, वाईफाई एफटीपी सर्वर, ठीक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। मेरे मोबाइल में पहले ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों, इसको सिर्फ आप ओपन करना है। सिंपली ओपन करने के बाद, ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह है कि जैसे ये ऐप वर्क कैसे करता हूँ मैं बता दूँ। आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट आपको ज़रूर ओपन करके रखना होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हॉटस्पॉट जो आपके जो फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो हॉटस्पॉट होता है वो हॉटस्पॉट आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपके डेस्कटॉप पे जाना होगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा डेस्कटॉप है। ये मैंने मोबाइल में इसको जैसे हॉटस्पॉट जैसे ऑन कर लिया है। आप अगर लैपटॉप पे जैसे इंटरनेट भी चला सकते हैं आप, इसमें इंटरनेट भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंटरनेट तो नहीं चलाऊंगा फिलहाल, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूं। यहां से हॉटस्पॉट देखिए, मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, ठीक है दोस्तों, हॉटस्पॉट ऑन है और एक डिवाइस कनेक्ट भी है। मैं दिखा देता हूं, ये हॉटस्पॉट मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये नेटवर्क में जाएंगे, देखिए सर, देखिए दोस्तों, ये मेरा हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। इसमें एक जो सर्वर यूआरएल है ये आपको ध्यान रखना, यही आपको टाइप करना है आपके लैपटॉप पे। तो कहाँ टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये लैपटॉप पे आप जाएंगे, जाने के बाद यही माई कंप्यूटर है आपका, ये माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये टाइप करना होगा। यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे FTP, यहाँ पे ये डालना है, फिर double dash 192.168.168.30 देखिए दोस्तों, मैं वही टाइप कर रहा हूँ इसमें, 3016916 और आपने करना है एंटर। जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करने के बाद आप देखिएगा इसमें जो भी फाइल होगी इसमें ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एंटर कर दिया है मैंने, ये जो प्रोसेसिंग ले रहा है अभी, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी फाइलें हैं इसमें सब इसमें आ गई हैं, ठीक है। मैं इसमें भी आपको फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, तो हम इसमें भी देखेंगे। तो इसमें आपको DCM में जाना होगा और इसमें कैमरे में जाना होगा। कैमरे में जाने के बाद इसमें दोस्तों आप फ़ोटो देख सकते हैं, जितनी भी फ़ोटो होंगी सब आ जाएंगे इसमें। तो आज सिंपली आप यहां से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके अपने डेस्कटॉप में पेस्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। पेस्ट कर
करने के बाद आप उसको जैसे भी आपको वीडियो में लगाना हो वीडियो में लगाइए, या लैपटॉप में कॉपी करके रखना हो तो वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही दोस्तों बस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।